आखिरकार कैसे भूकंप से खुद के बचाव के लिए की गई है मॉक ड्रिल। भूकंप आने की स्थिति में हालात से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, इसी का जायजा लेने के लिए हरियाणा के तमाम 22 जिलों में मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल के दौरान जहां पर कई विभागों की बेहतरीन तैयारियां देखने को मिली, तो वहीं कई विभाग के अधिकारियों को आला अधिकारियों की डांट भी खानी पड़ गई। हरियाणा के सभी 22 जिलों में भूकंप पर एक मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय में भी मेगा मॉक ड्रिल का सफल आयोजन हुआ, जिसमें सेना, अर्धसैनिक बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जैसी केंद्रीय एजेंसियों के अलावा हरियाणा के आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों ने अपनी भूमिका का प्रदर्शन किया। इस एक्सरसाइज में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने भूकंप के समय किस तरह बचाव कार्य को अमल में लाया जाता है उसका प्रदर्शन दिखाया। इसमें सभी तरह की तैयारियों का जायजा लिया गया कि समय आने पर सुरक्षा व्यवस्था में कमियां ना रह जाएं। और एनडीआरएफ टीम ने जितने जिस तरीके से जो है ना ये रेस्क्यू चलाया है, जो मॉक ड्रिल का जो काम किया है, जितने हजारों लोगों ने आज इसको देखा जो है ना, जिसमें सीनियर अधिकारी भी मंत्रीगण भी जो यहाँ मौजूद थे और बड़े सुरक्षित उन लोगों को बाहर निकाला। और रेस्क्यू जो टीम का जो सब लोगों ने देखा, हम अपनी तरफ से, मैं अपने पूरे सचिवालय की तरफ से, सरकार की तरफ से उन टीम को, सभी टीमों को बधाई देता हूं, डॉक्टर्स की टीम को, दूसरे साथियों को, वॉलंटियर्स को, कि एक अच्छा रेस्क्यू था और सीखने को काफी मिला। गुरुग्राम में हुई मॉक ड्रिल में जिले के सभी विभागों के अलावा सीआरपीएफ, आर्मी और एनएसजी को भी शामिल किया गया। मॉक ड्रिल एमजीएफ मॉल, एमडीआई रेल विहार, लघु सचिवालय, विप्रो कंपनी, होंडा कंपनी के अलावा हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर भी की गई। मॉक ड्रिल के दौरान जहां सभी विभागों ने तालमेल के साथ काम किया, तो वहीं आम लोगों को इस तरह की स्थिति से निपटने की भी जानकारी दी गई। अभी क्योंकि जैसा एक कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा इश्यू होता है, और इनफैक्ट इस एक्सरसाइज का एक सबसे बड़ा एक वो है कि कम्युनिकेशन जो एक प्रोटोकॉल्स है, तो एक अजम्पशंस पे हम बिल्ड करते हैं कि कोई अगर बड़ा डिजास्टर हुआ तो एटलीस्ट टेम्परेरीली जो मोबाइल नेटवर्क है टेम्परेरीली वो शायद कुछ समय के लिए डाउन जाए, तो एक पुलिस का एक जो वायरलेस नेटवर्क है उसका इस्तेमाल किया गया, जिसमें हमारे सारे सिविलियन ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, उसको उस नेटवर्क पर लाया गया उनको, और ताकि हम एक बेस कंट्रोल सेटअप किया गया ताकि कम्युनिकेशन बिल्कुल हमारा सीमलेस हो सके। वहीं फतेहाबाद में इस मॉक एक्सरसाइज में स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी तरह से अधूरी मिली। मॉक एक्सरसाइज के दौरान घायल होने वाले मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एम्बुलेंस की व्यवस्था ही नहीं करवाई गई, जिसके कारण मौके पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर गिरीश चौधरी को अधिकारियों की झाड़ का सामना करना पड़ा। वहीं घायलों को एमएलए की गाड़ियों से अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से इस मॉक ड्रिल के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं भिवानी में भी जैसे ही भूकंप का सायरन बजा, वैसे ही लोगों में एक दहशत फैल गई। सायरन बजने के बाद जो भगदड़ मची, उससे लोगों को पहले तो ये समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन जल्द ही लोगों को पता चल गया कि मॉक ड्रिल है। भिवानी जिला प्रशासन के तहत आने वाले सभी विभागों की गाड़ियां अपने दैनिक कार्यों को छोड़कर आपदा प्रबंधन को लेकर किए गए डेमोंस्ट्रेशन कार्य में लगे, घायलों को अस्थायी भूकंप राहत कैंप में पहुंचाने लगी, जहां पीड़ितों को तुरंत इलाज मुहैया कराया गया। इसके साथ ही कर्मचारियों ने अन्य घायल कर्मचारियों को सीमित साधनों का प्रयोग करते हुए एम्बुलेंस तक पहुंचाया। इस सारी कवायद का असर इस बात को जांचना था कि यदि वास्तव में भूकंप आता है तो जिला प्रशासन कितने समय में लोगों को राहत देने में कामयाब हो पाएगा। ये मेगा मॉक ड्रिल है भूकंप से, अर्थक्वेक से संबंधित। इसका उद्देश्य ये है कि अगर कोई अनफोर्स सिचुएशन हो जाती है और भूकंप आ जाता है, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट कितनी तैयार है उस भूकंप से नुकसान को कम करने के लिए, तो इसी उद्देश्य से ये मेगा मॉक ड्रिल आज भिवानी में भी ऑर्गेनाइज की गई थी। हमारे सभी जितने भी डिपार्टमेंट है, सभी को हमने इसमें पार्टिसिपेट करा रखा है। भूकंप से निपटने की इस मुहिम ने हर जिले को ये दिखा दिया कि आपदा की स्थिति में हालत से निपटने के लिए वो कितने तैयार हैं। टोटल न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार के साथ, फतेहाबाद से रमेश भट्ट, भिवानी से इंद्रवेश दोहन और गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट। और फिर अगर पानीपत की बात की जाए, तो पानीपत के मिनी सचिवालय में भूकंप का सायरन बजने के साथ ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सचिवालय के कर्मचारी और वहां पर अपने काम के लिए पहुंचे लोग दहशत में बिल्डिंग से बाहर भागते नजर आए। जब लोगों को यह पता चला कि मॉक ड्रिल है, तब कहीं पर जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।
पानीपत में बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे मिनी सचिवालय के पास भूकंप की सूचना प्रसारित होने के बाद पूरे इलाके में दहशत पसर गई। सरकारी अमला, सुरक्षा टीमें और एम्बुलेंस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई जिला अस्पताल पहुंची। आनन फानन में किए गए प्रबंधों के दौरान सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। भूकंप का केंद्र पानीपत का जिला सचिवालय था। डिप्टी कमिश्नर ने 6 लोगों की मौत और एक दर्जन के घायल होने की पुष्टि की। तो सभी अपनी सेफ्टी के लिए अपने दीवार के किसी कोने में या टेबल के जैसे जैसे सिचुएशन होगी उसके मुताबिक जैसे मैसेज होगा सेफ्टी के लिए आराम से बाहर आएंगे। सभी लोग अपने अपने दफ्तरों से बाहर आ चुके हैं, घबराहट की स्थिति है। देखते हैं कि अगर इस तरह के हालात होते हैं तो जिला प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है कितने इफेक्टिव नजर आते हैं। आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं, टोटल कैजुअलिटी कितनी हो चुकी है, इंजर्ड कितने हैं? सिविल हॉस्पिटल से अभी एक्चुअली मोबाइल फोन तो काम कर नहीं रहे हैं, अभी पता नहीं लग रहा है। सिविल हॉस्पिटल में खुद में भी जो पुरानी बिल्डिंग है वो भी गिर गई है। 6.8 रिएक्टर स्केल के इस भूकंप के बाद जिले के डिप्टी कमिश्नर और एसपी ने अपने अपने मातहत अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर उन्हें अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझा दी। बचाव कार्यों के सलाह मशवरे के दौरान सबसे ज्यादा उपयोगी जानकारी पीडब्ल्यूडी के एक्सियन प्रदीप अत्री के पास थी। हमारे पास कट है तो मुझे पता है कि मैंने कट प्रोवाइड करने है, मैंने जेटी भी प्रोवाइड करनी है, इस टाइप की सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। तो जो जिला अस्पताल में भी अफरा तफरी का माहौल था, लोग अपने परिचितों और घायलों को देखने पहुंच रहे थे। पूरे स्टेट में है ये, गुड़गांव के पास इसका एपिसेंटर बता रहे हैं, जयपुर गुड़गांव फॉल्ट है उसके ऊपर। मिनी सचिवालय में अपने कामों से पहुंचे लोगों ने जब वहां अफरा तफरी देखी तो अपने परिवार और परिचितों को फोन पर ये जानकारी दी। शहर और आसपास भूकंप से बहुत नुकसान होने की अफवाहें फैलने लगी। तभी जिला प्रशासन की ओर से पुष्टि की गई कि ये भूकंप नहीं, दरअसल भूकंप से निपटने की रिहर्सल थी। मनोहर सरकार ने पहली बार पूरे प्रदेश में ये रिहर्सल करवाई ताकि ज्यादातर मौकों पर सिस्टम और अफसरशाही को कोसने वाले लोगों को लगे कि कभी भूकंप आए भी तो लोग आश्वस्त रहें कि सिस्टम उन्हें जैसे कैसे बचा लेगा। सहयोगी कपिल के साथ वेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। इधर भूकंप से बचाने के लिए एक तरफ पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल की तैयारियों का जायजा लिया गया तो वहीं भूकंप से जुड़ा एक बड़ा खुलासा पानीपत में वैज्ञानिकों के हवाले से किया गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि साल 2018 में पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा भूकंप आ सकते हैं। वैज्ञानिकों के इस अनुमान के बाद लोग सहम गए। हरियाणा के 50 साल के इतिहास में ये पहला मौका था कि प्रदेश स्तर पर सभी जिलों में भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के वक्त प्रशासन और लोग किस तरह अपनी जान माल की रक्षा के साथ साथ दूसरों की जान बचा सकते हैं। बृहस्पतिवार को प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह की मॉक ड्रिल यानी रिहर्सल की गई। रिहर्सल में हूबहू वही दृश्य था जैसा भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के समय होता है, वही अफरा तफरी, वही बदहवासी। देखिए आपके लिए खास। एकदम से सब कुछ गड़बड़ाया गया एकदम से, और आदमी इतर होकर ने सरकार जो है उसके लिए चल रही है बचाव के लिए, एम्बुलेंस गाड़ियां हैं, रोडवेज की बसें आ गई हैं और सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है। नियरेस्ट पीसीआर, नियरेस्ट राइडर, नियरेस्ट पुलिस पोस्ट, नियरेस्ट पुलिस थाना, उसको कन्वे कर सकते हैं ताकि सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन यहां पर पहुंच सके। इस मॉक ड्रिल में सेना के अफसर और जवान भी शामिल थे। ऐसे मौकों पर वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, जरा सुनिए। एनसीसी कैडेट्स, सिख कम्युनिटी के लोग, मैं चाहता हूं कि इन लोगों के लिए एक बार जो है तालियां हो जाए। ये देश के लोग हैं जो कभी भी देश के काम आने के लिए तैयार हैं। इनकी कोई ड्यूटी, देश के लिए सबकी ड्यूटी बनती है। ये लोग अगर आगे आए हैं तो इनका हमें खास सम्मान करना चाहिए। और अब सबसे काम की बात वो ये कि भूगर्भ वेताओं का मानना है कि साल 2018 में हरियाणा में भूकंप के झटके ज्यादा आएंगे। ये बात खुद पानीपत के डिप्टी कमिश्नर ने कही। भगवान ना चाहे ऐसा कभी हो, लेकिन जैसा कि अंदेशा है कि 2018 में भूकंप काफी आ सकते हैं, तो उस अंदेशे में अगर हमारी तैयारी होगी और हमें सारी ड्रिल पता होगी और जो हमारी कमियां आज हमने फील की है उस शॉर्ट कमिंग्स को हमने पूरा कर लिया होगा, तो ये निर्णायक सिद्ध होगा कि हम कितनी जाने हम उस टाइम सच्चाई में बचा पाएंगे।
गौरतलब है कि भूकंप की पहले जानकारी होने की अब तक कोई तकनीक इजाद नहीं हो पाई है। ये भी कि पिछले कुछ वक्त से भूकंप के झटके अधिक महसूस होने लगे हैं। हरियाणा दिल्ली NCR तो वैसे भी भूकंप के लिहाज से संवेदनशील जोन में है, इसलिए किसी के भरोसे मत रहिए, जागरूक बनिए, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। हरियाणा के इतिहास में यह पहली मरतबा था कि अलग अलग जिलों में इस तरह की मॉक ड्रिल की गई। हालांकि कमियां कई जगह नजर आई, पर एक एफर्ट अच्छा था। और आज जानकारों ने यह भी बताया कि ये प्रेडिक्शन है कि 2018 में भूकंप पहले के मुकाबले ज्यादा आ सकते हैं, इसलिए आप अलर्ट रहिए और जो प्रिकॉशंस है उनका हमेशा ध्यान रखें। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज़।